ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਗਣੇ ਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਟਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪਲੱਸ 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 ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਮਿਠਾਸ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਥੀ, ਜਬ ਮੈਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੂੰ। ਮੁਝੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਝੱਲਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹਾਤਾ ਹੂੰ। I want to keep working hard to make sure that I'm worthy of the opportunity and platform that I'm given. Maine kabhi struggle nahi kara life mein, maine hustle kara hai, wo main aaj bhi karta hu. Hi everybody, this is Gurundava and I'm Sai Manjrekar and you're watching us on First India. Aaj hamare sath hai beautiful actress Sai aur apni jadooi awaaz se lakhon karodon ko deewana banane wale गुरु रंधावा, सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। जादुई आवाज, क्या बात है, मतलब क्या वर्ड्स हैं, अंगारे, जादुई आवाज, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अब तक तो सुना है कुछ मीठा हो जाए, लेकिन आपने ऐसे टाइटल कैसे सोचा, कुछ खट्टा हो जाए, क्या खटास है आपकी फिल्म में? इस फिल्म में बहुत सारी खटास है जो प्लस 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 होते हुए मिठास बनती है, तो वही सारी खटास, क्योंकि कहते जो चीज ज्यादा हो उसको फ्रंट पे लेके आना चाहिए। okay. So, इस मूवी में खटास ज्यादा है जिसके कारण मिठास आती है, तो हमने इसलिए इसका नाम कुछ खट्टा हो जाए रखा। राइट, वेरी गुड। जैसा मैंने ये फिल्म का ट्रेलर देखा है, आप काफी झल्ले टाइप के हैं और ये काफी प्रैक्टिकल, अपने करियर पे फोकस करती हैं और आप अपनी खुशियों के लिए, मतलब अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को रखते हैं, तो क्या सच में गुरु ऐसे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हैं? मैं बहुत झल्ला हूँ जी, मैं 3-4 दिन बाहर नहाता हूँ। मैं बाद में लोगों से हफ्ता बात करता हूँ। बट मुझे लगता है हर एक कैरेक्टर जो होता है ना जिंदगी में, कभी ना कभी मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, जितने भी हम लोग हैं, गर्ल्स डिफरेंटली, बॉयज डिफरेंटली, हमने हर किसी की लाइफ एक तरीके से जी होती है कभी ना कभी अपनी लाइफ में। जैसे जो कोई आज फील कर रहा होगा एज अ किड, वो नेचर क्या पता, वो नॉटीनेस जाके जब आप बड़े हो तब आप में वो आए, आप तब सीरियस हो, तो किसी न किसी तरीके हमने सारी लाइफ जी हुई होती है। सो दिस इज पार्ट ऑफ मी व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई थिंक, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस रोल एंड आई लव्ड इट। तो मैं वही रोल प्ले कर रहा हूँ जैसा मैं हूँ तब, जैसा कॉलेज में था मुझे वही रोल प्ले करने का मौका मिला है, तो मैं काफ़ी जल्दा था। अब दबंग गर्ल से पूछना चाहेंगे, सलमान खान के साथ आपने डेब्यू किया जी। आपकी दूसरी फिल्म आई मेजर, बहुत अच्छी रही, हिट साबित हुई। अब गुरु के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म में? गुरु के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए शूटिंग के दौरान एंड बहुत मज़े किए शूटिंग करते करते, और ये फिल्म हमने बहुत प्यार से, ईमानदारी से बनाई है और आई होप कि वो सब तक पहुँचे और उनको हमारी फिल्म बहुत अच्छी लगे। आपके पापा बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, क्या you. कुछ सीखा आपने उनसे, क्या कुछ उन्होंने आपको टिप्स दी? टिप्स तो ऐसे बुक लिख सकती हूँ मैं, इतने टिप्स दिए मुझे। लेकिन आई थिंक मैं हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनके पास जाती हूँ, क्योंकि ही नोज एग्जैक्टली क्या करना है उसमें। तो अगर कोई सीन हो जो जिसमें मैं अटक गई हूँ, तो मैं वो सीन का पेपर लेके उनके पास दे देती हूँ, तो मुझे एज अ डायरेक्टर बहुत गाइडेंस देते हैं। सारी डिनर टेबल्स पे कॉन्वर्जेशन मूवीज़ के बारे में होती है, तो आई थिंक रोज़ में बड़ी होते होते भी रोज़ मूवीज़ के बारे में ही सुनती आई, एक्टिंग के बारे में ही सुनती आई, तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा पार्ट रहा है मेरे एक्टिंग करियर में। ओके, अब एक स्टार किड है, तो कुछ आपको बेनिफिट मिला बॉलीवुड में जब आपने डेब्यू किया? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ओके, बेनिफिट यानी आई हैड द बेनिफिट ऑफ नोइंग, आई एम गोना से दिस इन अ वेरी नाइस वे, मुझे किसी ने बताया था कि इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एवर, कीप वर्किंग हार्ड टिल यू मेक श्योर दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आई एम कीप वर्किंग हार्ड टू मेक श्योर दैट आई एम वर्दी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म दैट आई एम गिवन। इस फिल्म के बारे में बात करेंगे सर, कोई सीन जिसमें आप लोग को बहुत मज़ा हो, फर्स्ट डे या लास्ट डे का शूट पे, कुछ जो हमेशा आपको याद रहेगी? आई थिंक फर्स्ट डे का शूट ही था, जो पहले दिन इन्होंने मेरे से इतनी खतरनाक एक्टिंग करवा ली थी विद सई। जब एक सीन है जिसमें मैं चिट्ठी पकड़ के भागता हूँ
इसकी चिट्ठी आती है इसको डाकिये के थ्रू, तो ये उसको बोल रही है डाकिया अंकल को कि मेरे बिना किसी को मत चिट्ठी देना, तो मैं आता हूँ। मैंने कहा मैं तो पकड़ सकता हूँ डांस करता था ऐसे जगह मुँह में टी शर्ट शर्ट डाल के, शर्ट है टी शर्ट है शर्ट डाल के डांस करता हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी वो था कि पहले दिन ही आप, जैसे कई बार होता ना कि मुझे लगता था कि शायद मूवी जो है वो शुरू से शुरू होती है फिर ऐसे करके शूट होती है, नहीं शूट भी वैसे होती है जैसे मूवी शुरू होती है, नहीं नहीं शूट भी ऐसे होती है जैसे मूवी शुरू से शुरू होकर अंत तक जाती है। मुझे पता है सेंटर से शुरू हो रही है हमारी मूवी और मुझे आज वैसा इमोशन देना है और फिर वो मुझे शूट पे जाके पता चला, तो देट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड देन ऑब्वियसली इट वॉज फर्स्ट डे विद हर ऑन सेट, सो आई रिमेंबर दैट फॉरएवर, इट वॉज वेरी मच फन। सही गुरु काफ़ी नॉटी लग रहे हैं, तो कुछ शूट पे आपको कितना परेशान किया इन्होंने? बहुत परेशान किया वैसे तो, पर ऐसे प्यार से परेशान किया, एक्चुअली परेशान नहीं किया। हम लूडो खेलते थे तो मुझे हराने की बहुत कोशिश करते थे, चीटिंग करते थे कभी कभी बीच बीच में, मेरा डाइस ऐसे टैप कर देते थे, तो ऐसे तो बहुत परेशान किया, ऐसे टाइम पास चुकली, बट वॉज लॉट ऑफ फन। जब खेलते थे लूडो कभी मैच जीत जाता था कभी फिर मैच जीत जाता था, जीतती थी यार, आई डोंट नो, मैं मेरी बात तो सुनो, कभी मैच जीतता था कभी फिर मैच जीतता था, हां वो चीटिंग करके, नहीं नहीं जीतती मैं थी पर ये बोलती थी कि मैंने आपको जीतने दिया। अच्छा, इस फिल्म में सीनियर एक्टर भी बहुत हैं, अनुपम खेर जी हैं, क्या कुछ सीखने को उनसे मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? यार अनुपम सर ना एक पूरे ओशियन है एक्टिंग के, एक पूरे दरिया है एक्टिंग के, सो मुझे लग रहा हमने उस दरिया में से एक एक बाल्टी भर ली। गुरु कहाँ से ला रहे हो ये आप? क्या कहाँ से क्या ला रहे हो, बाल्टियाँ? दिस लाइक वर्ड प्ले इज अमेजिंग। ना ना मतलब उसमें से एक एक बाल्टी हमने भर ली है और आगे भी जब भी जरूरत, नाउ ही नोज अस, नो अस, तो आगे भी जब कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं तो हेल्प के लिए जाऊंगा सर के पास। अब सर को मिलने के लिए कितने कितने आर्टिस्टों की लाइन लगी हुई, कितने एक्टर्स दे जस्ट वांट टू सी हिम, दे जस्ट वांट टू बी इन हिज वर्कशॉप, उनके स्कूल जाना चाहते हो, तो हमें हमारे पास तो स्कूल सेट पे था है ना इतने दिन, तो हम आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद अस। तो मतलब अब जब आगे भी ज़रूरत होगी तो मैं तो सर को बेल मारा करूँगा कि सर मुझे ये सिखाओ, मुझे ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं, ये मेरा रोल है नेक्स्ट फिल्म का, ये कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत कुछ सीखा यार, सब कुछ ही उनसे सीखा ऑन सेट। आप एक सिंगर हैं, बड़े पर्दे पर आना कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, कितना टफ था एक फिल्म करना? या मेरे को फिल्में ना बहुत टाइम से आ रही थी और मुझे लगता है जब आप फेमस हो जाते हो ना, जब आप किसी भी फील्ड में कुछ कर रहे होते हो तो आपको हर फील्ड से कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है, बिकॉज some way or the other somebody is thinking about you as a different character in their mind. और मेरे साथ भी ऐसा था, as a singer मुझे तो देख मिल लोग मिलते थे, but then they used to say आप acting कब करोगे, आप movies लेके आते थे लोग, और मुझे बहुत ज़्यादा tough लगता था शुरू में ना कि यार acting बहुत ज़्यादा tough job है और बहुत responsibility वाला काम है, but जब मैंने acting करी मुझे लगा यार मैं बहुत अच्छा actor हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से रोल कर सकता हूँ, और फिर मैंने डायरेक्टर को बोला मुझे रोल दो, फिर उन्होंने मुझे रोल दिया। तो मतलब हंसते खेलते मूवी हुई है और मुझे लगता है मैं वैसे भी ना चैलेंज पसंद करता हूँ, मैं अपने आप को अनइजी रखना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू माय लाइफ। वो होता है ना जब आप जब आपको कोई चीज़ करने का मन हो बट आप उसमें माहिर नहीं हो, फिर आप उसको सीखते हो, फिर आप उसमें गलतियां करते हो, वो प्रोसेस बहुत मज़ेदार है, और अगर आपने गलतियां करते करते उसका 10% भी सीख लिया तो मतलब आप 80 और सीख सकते हो, 90 और सीख सकते हो इन कमिंग ईयर्स। तो मैं भी उसी जर्नी पे हूँ व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, आई वांट एवरीबॉडीज लव एंड सपोर्ट। गुरु आपके फैंस जानना चाहते हैं, जब आपने शुरुआत की थी, आपने MBA किया हुआ है, तो एक पंजाब के एक छोटी सी जगह से मुंबई तक का सफ़र तय करना कितना आपके लिए टफ रहा, उसके बाद इतना बड़ा सिंगर बन जाना? या मैंने सोचा ही हुआ था शुरू से कि मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट बनना है लाइफ में, मुझे
अपने आप को चेंज करना है, अपने घर को चेंज करना है, अपने मॉम डैड की लाइफ चेंज करनी है, सबकी लाइफ चेंज करनी है। और टफ मुझे पता नहीं अब टफ क्या होता है यहाँ, जब कहते हैं आपका, जब आपका लक्ष्य आपको पता हो कहाँ जाना है ना आपको, तो फिर टफ भी जो हो रहा होता है वो भी आपको ईजी लगता है। जब आपको पता ना हो आपने कहाँ जाना है तो फिर चाहे ईजी चीज़ें भी आपको, जब देखो ना अभी अगर मेरे को पता है कि अब मेरे पास आज खाना नहीं है, तो जिसने तो खाना ढूंढने जाना है रात के लिए वो सुबह से निकला होगा और उसको कितनी रुकावट आएंगी, वो फिर भी खाना लेके घर वापस आएगा तो उसको ईजी लगेगा ना, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा और कुछ, सिर्फ खाना दिख रहा है क्योंकि उसको अपनी फैमिली को फीड करना है। और जिसके घर पर सारा खाना पड़ा हुआ है वो उसमें गलतियाँ निकालेगा, उसमें बोलेगा यार ये इसमें ये नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो उसको भी टफ बना देगा। सो इट्स ऑल अबाउट वे यू वांट टू गो, व्हाट्स योर टारगेट। अगर आप सिर्फ टारगेट को देख रहे हो तो कुछ भी टफ नहीं, मेरी जर्नी टफ नहीं रही, मेरी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं करा लाइफ में, मैंने हसल करा है, वो मैं आज भी करता हूँ और मैं इस इंटरव्यू के दौरान भी हसल कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने वर्ड्स राइटली आपके सामने पोर्ट्रे कर सकूँ ताकि जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑडियंस तक वैसे पहुँचे। तो आई हसल एवरी डे। आपने एक इंटरव्यू में बताया था 18 साल की उम्र में आपका दिल टूटा था, उसके बाद आप एकदम ऊंचाई पर पहुंच गए, पीछे मुड़ के फिर कभी देखा नहीं। हाँ, मतलब क्या पूछ रहे हो आप? 18 साल के जब आप थे, किस भी से बोलते हैं ना वो एज ही ऐसी रहती है, और वो 22-23 की थी। लेकिन फिर आपका जब दिल टूटा, आप गाँव चले गए, फिर आए तो उसकी शादी हो गई, तो उसके बाद आप कहाँ पहुँच गए सब जानते हैं। हाँ, पर उसका मैं क्या करना है, उसका आंसर क्या दूँ? आंसर दीजिए ना, ऐसा आज के यूथ को। नहीं, यूथ को ये है, टाइम खराब मत करो। मैंने भी थोड़ा सा करा था 6 महीने, और अगर समझ आ रही है चीज़, अगर आपको रिलेशन समझ आ रहा है तो रहो साथ और जल्दी से शादी कर लो, टाइम मत खराब करो, क्योंकि टाइम खराब बहुत ज़्यादा हो जाता लोगों का ना, फिर उससे निकलने का टाइम उतना खराब होता है। कह रहे जितना टाइम बिल्डिंग गिराने में लगता है उतना ही बिल्डिंग बनाने में लगता है, तो ये वो वाली बात है कि आप पहले ही अपना आप इतना टाइम को मैनेज करो कि आपका टाइम अगर ख़राब आपको लग रहा हो रहा तो आप उससे उतनी जल्दी निकल सको, और बाकी हार्डवर्क करो और बी ए सुपरस्टार। हमने अपने सोशल मीडिया पर डाला था आपके लिए क्वेश्चन, तो आया था बहुत फनी क्वेश्चन आया था आपके फैंस की तरफ से ही कि गुरु से पूछना कि वो ब्लैक आउटफिट क्यों ज्यादा पहनते और इतने ढीले पहना ब्लैक। आज नहीं पहना पर उनका ऐसा था। नो बट दिस कलर लुक्स वेरी नाइस। मैं ब्लैक इसलिए पहनता हूँ कि अगर मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ आपको पता ना चले। यार रोज अगर बंदा घर से निकल रहा है, आप कितनी बार आप लोग चेंज कर लोगे? मेरे को तो कपड़े समझ नहीं आते, तो मैंने वही एक मेरे पास पैंट है वो लोअर है ढीला सा, ये मैं हुडी चेंज करता रहता हूँ ऊपर से उसी में रहता हूँ, क्या करूँ? मतलब अब कितनी बार बंदा चेंज करे, मतलब आज ही मेरा बस चलता है ब्लैक ही पहन के आता हूँ, मैं तो आपके चक्कर में ये पहन लिया है। सच्ची? हाँ, मुझे या थैंक यू, एवरीथिंग लुक्स नाइस ऑन मी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जब आप कोच टार्क साथ करते हैं, काफ़ी कुछ होता है सोशल मीडिया पे, आप क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। शहनाज गिल के साथ किया, सही के साथ किया है आपने, तो सोशल मीडिया बहुत सारी ऐसी बातें आती, कैसे टैकल करते हैं आप? सब पूछते हैं ना क्या चल रहा है यार, हंस के टैकल करता हूँ, और अच्छी बात है कि सब पूछते हैं क्या चल रहा है, और सब कुछ सही चल रहा है और सब कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव चल रहा है, और आपकी लाइफ में भी ऐसे सब चले प्रोग्रेसिव हैप्पी। एक लास्ट, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कुछ ख्याल नहीं शादी के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मूवी देख के आओ, कुछ इकट्ठा हो जाए 16 फेब को, अगर आप सच्ची में फ़ैन हो तो ज़रूर देख के आओ, नहीं भी फ़ैन हो तो भी देख के आओ, फ़ैन बन जाओ, फ़ैन नहीं भी बनने का मन फिर भी देख आओ, मत फ़ैन बनो, बट प्लीज़ मूवी देख के आओ, हमने बहुत दिल से बनाई है ना सर? यस। इशारे तेरे कंगड़े दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी किया, फैन तेरा बन गया ये। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you.